में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो 2-3 शोरूम है, लेकिन मूल रूप से जो सबसे ज़्यादा बिक्री जिस कंपनी की होती है वो इसी कंपनी की होती है। और आप सड़क पर देखते होंगे कि रेड कलर का ओकिनावा कंपनी का प्रेज प्रो एक मॉडल है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, और हम भी वही मॉडल खरीदे थे और करीब 4 महीना से चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक दो बार चार्जर जलने की समस्या वोल्टेज की वजह से हुई थी, तो तुरंत चार्जर का रिप्लेसमेंट हो गया था, तो अभी तक हम इससे संतुष्ट हैं। आज आए हुए थे सर्विसिंग के लिए तो बोले कि हमारे शोरूम में एक नया मॉडल आया है जो कहीं ना कहीं आप अपने जरिए दर्शकों को दिखाइए। अब इतनी अच्छी सर्विस देते हैं तो इनके बात को हम टाल नहीं सके। ये हर्ष जी हैं, और कितने दिनों से आपका ये यहाँ पे शोरूम है? ये 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में कितना गाड़ी बेचे होंगे? 250 पीस बेचे हैं। 250, सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल? सबसे ज्यादा प्रेज प्रो ही बिकता है। प्रेज प्रो जितना रेड कलर या ज्यादा रेड कलर में ही बिकता है? मैक्सिमम रेड है। रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, रोसड़ा तरफ जाता है गाड़ी? जी, रोसड़ा में भी काफी गाड़ी गई है, आपको दरभंगा में गई है, जिला से बाहर मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सब जगह गई है गाड़ी, जिला से बाहर भी गई है। अच्छा, जैसे ओकिनावा कंपनी जी, और जो जैसे टू व्हीलर की बात करें तो हीरो कंपनी बहुत दिन से बना रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक में आई है, लेकिन आपका जितना गाड़ी दिखता है हीरो का उतना नहीं दिखता है। नहीं, उतना नहीं दिखता है, मच बेटर हो गई है उससे, सेल में भी, हर एक चीज में। जी, निश्चित रूप से दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो सैकड़ों कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, और बहुत तरह का मॉडल उसमें रहता है और अलग अलग रेट रहता है, लेकिन अपने समस्तीपुर में बात करेंगे तो सबसे अव्वल नंबर पर यही शोरूम है। और ये कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि इनसे पैसा लेकर के, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो खरीदा है वो करके देखा है, चला के देखा है, और हम भी चलाए हैं तो हमको अभी तक सही लगा है गाड़ी, तो इनके शोरूम में मॉडल आया। तो यही वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो इनके शोरूम में नई आई, और इसमें एक सबसे बड़ा खूबी जो हमको दिखा है, इनसे पूछने से पहले बता देते हैं कि इसका जो चक्का है, जो टायर है, जो व्हील है, वो कहीं ना कहीं समानतया जो दूसरे स्कूटर या स्कूटी होते हैं उससे बड़ा साइज का, और पीछे वाला भी उसी तरह से बड़ा साइज का है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मोटरसाइकिल का हो। दूसरा, इसका जो डिस्प्ले है, मीटर का जो डिस्प्ले होता है वो बड़ा साइज का है, और इसका सीट जो है वो ज़्यादा कम्फर्ट है दूसरे स्कूटी से, जाहिर तौर पर रेट भी ज़्यादा होगा। कौन सा मॉडल है ये? ओकी 90 है, ओकिनावा का ओकी 90। अच्छा, जी। अच्छा, अभी जो आप प्रेज प्रो सबसे ज़्यादा जी, जी, तो उसमें और इसमें क्या अंतर? उसके और इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो व्हील है वो देखा जा रहा है कि व्हील इसका 16 इंच का, 16 इंच का व्हील है, और दूसरी खासियत ये कि इसका बूट स्पेस है। अच्छा, जो डिक्की में भी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा इसमें स्पेस दिया गया है, डिक्की में भी स्पेस है, आप कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं, हाफ हेलमेट भी आराम से आ जाएगा। बैटरी के रखने के बाद भी इतना जगह? बैटरी के रखने के बाद भी आपको इतना जगह है जिसमें आप अपना हेलमेट भी कैरी कर सकते हैं। और तो पूरा है जगह, पूरा प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको एक एलईडी लाइट दी गई है। अच्छा। और यहाँ पे भी एक यूएसबी स्लॉट दिया गया, फोन चार्ज कर सकते हैं। फोन चार्ज करने के लिए फुल कम्फर्ट है कि आप फोन चार्ज अंदर में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो इसका मोटर है, ये हब मोटर नहीं है, ये बेल्ट सिस्टम दी गई है, जो एक फुल बाइक का फील होगा, जिससे एक चेन रहता है, सेम चीज है। जो चक्के में मोटर नहीं है, मोटर अलग दी गई है और बेल्ट सिस्टम दिया गया। अभी तक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में होता था वो पिछले पहिया में ही इनबिल्ड होता जी, जी जी जी, हब मोटर रहता था, वो हब मोटर रहता था, इसमें अलग से मोटर है और वो बेल्ट से बेल्ट सिस्टम है। बिल्कुल बेल्ट सिस्टम है। और जो इसकी स्पीड है वो आमतौर पर जो स्कूटी में रहती है और इसके में 90 की स्पीड है, और प्रेस प्रो में जो एक रहता है कि आप सिंपल सा की ऑन किए और एक्सीलेटर लिए चालू हो गए, इसमें एक सेल्फ सिस्टम दिया गया, आप सेल्फ लेंगे गाड़ी स्टार्ट होगी आपकी, और ये 90 के स्पीड में जाएगी, जो सबसे बड़ी खासियत है। टॉप स्पीड इसका 90 स्पीड 90 है जी। अच्छा, इसमें बैटरी कितना पावर? बैटरी सिंगल है, 15 आपको 72 वोल्ट 50 एम्पियर। मतलब अगर एक बार फुल चार्ज होगा तो कितना किलोमीटर? अगर आप इकोनॉमिक पे मोड पे चलाएंगे, दो मोड है इसमें, इकोनॉमिक स्पोर्ट, इकोनॉमिक पे आपको 50 का स्पीड आएगा, उस पे चलाएंगे 160 का आपको माइलेज मिलेगा। अच्छा। और स्पोर्ट्स पे मैक्सिमम स्पीड आपको 90 है तो उस पे 110 का आपको माइलेज मिलेगा। 110 चलेगा? 110 चलेगा, जो टॉप स्पीड है इसकी उस पे 110 का। अच्छा, कितना देर में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा? ये 4 आवर्स, 4 घंटे में आपको फुल चार्ज हो जाएगा। 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। अगर यूनिट की बात करें तो कितना यूनिट? दो यूनिट। मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 8 से 10 रुपए एक चार्ज। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 12 से 16 रुपए मैक्सिमम।
मतलब 12 से 16 रुपया खर्च करना है और 160 रेंज। हाँ 160 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि गाड़ी का जो बैटरी है, मोटर है और भी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है उसमें कितने साल की वारंटी रहती है? इसके बैटरी में 3 साल की वारंटी है। अदर जितनी भी कंपनी आपको 3 साल की वारंटी प्लस एक कंडीशन लाती है किलोमीटर्स की। हाँ, किलोमीटर जी। हाँ, हमारी कंपनी में 3 साल कंप्लीट रिप्लेसमेंट, मतलब 3 साल की कितना भी आप चला लें, कितना किलोमीटर चला लें आपको कुछ कोई मतलब नहीं, 3 साल की आपको वारंटी है। और इसके मोटर है, कंट्रोलर है और चार्जर है, जो मेन 3 पार्ट्स और हैं इस पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर ये कंडीशन है। लेकिन बैटरी पे कोई किलोमीटर्स की लिमिट नहीं है आपको। 3 साल में बैटरी कभी भी गड़बड़ होगा। अच्छा, ऑन रोड सर्विसिंग जी, अगर आपकी ब्रेकडाउन हो गई है, गाड़ी नहीं है ठीक है, आपके चलने की कंडीशन में नहीं है, ये नहीं बोलते कि आप अपनी गाड़ी को लाद करके लाएं। हमारा मैकेनिक जाता है, जहाँ स्पॉट है वहाँ पे जाता है और आपको होम सर्विस देता है। और अदर बात करें, अदर जिले में भी जाता है, मुजफ्फरपुर आपको, उसके बाद मधुबनी हो गई, दरभंगा, हर जगह हमारी सर्विस होम सर्विस है। ये हमारे मैकेनिक है, ये जाते हैं खुद सर्विस दे के आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अप्रोक्स इसका जैसे हम लिए थे तो 95,000 उस टाइम में पड़ा था। हाँ, तो इसका कितना पड़ेगा? इसका अप्रोक्स आपको 142 के आसपास, 1,42,000 के आसपास पड़ेगा। फाइनेंस होगा इसका? जी फाइनेंस बिल्कुल होगा। मिनिमम डाउन पेमेंट आपको 35,000 to 40,000 के अंदर है। अच्छा, और इंस्टॉलमेंट अप्रोक्स 24 मंथ्स का, वो आप जस्ट सिविल पे डिपेंड करता है। निश्चित रूप से दोस्तों, काफ़ी सुंदर गाड़ी है और बहुत सारी खूबी है जो इससे पहले जो इस कंपनी की स्कूटी आई हुई थी इलेक्ट्रिक वाली उसमें नहीं थी। बहुत सारा फीचर्स है इसमें जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसका लुक भी अच्छा है और इसका टेक्सचर डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बैठने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ किसी गाड़ी पर बैठे हैं, क्योंकि अभी तक जो जिस पर बैठे थे पहिया थोड़ा छोटा था तो डाउन फील आता था, इसमें लग रहा है कि एकदम हाइट पर बैठे हुए हैं। तो गाड़ी निश्चित रूप से अच्छा है और गाड़ी अच्छा है तो रेट भी अच्छा है। लेकिन रेट कम करने के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, फाइनेंस करवा सकते हैं और ये गाड़ी ले जा सकते हैं। और समस्तीपुर में ईमानदारी से सबसे ज़्यादा इसी कंपनी का गाड़ी बिकता है। आप कहीं भी सड़क पर इलेक्ट्रिक स्कूटर देखिएगा ना, तो इसी ओकिनावा कंपनी का होगा, यही लोगो लगा हुआ। अलग अलग मॉडल हो सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा वही रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में प्रेज प्रो जो मॉडल है इसी पे हम भी चलते हैं। और 5 महीना करीब हो गया है, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ। 90 किलोमीटर बोले थे, इकोनॉमी मोड में चलते हैं तो 90 किलोमीटर, हाई स्पीड में चलते हैं तो 60-70 किलोमीटर चलता है। ये बात सही है, 2 से 3 घंटा में चार्ज भी हो जाता है। चार्जर एक बार दो बार जला है तो ये लोग हैंड टू हैंड चेंज करके दे देते हैं, तो सर्विसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस ही लोग अच्छा देते हैं। दूसरा, इनका जो पर्सनली हर्ष जी हैं, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। दुकान में आने के बाद गाड़ी कैसा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गाड़ी बेचने वाला कैसा है, तो उसके व्यवहार पर भी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपका चार्जर जल गया, आप दुकान में आए तो क्या रिस्पॉन्स लिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि कभी यहाँ तकलीफ हो, आते हैं बहुत क्विकली रिस्पॉन्स लिया जाता है और अच्छे से होता है। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का सोच रहे हैं तब यहाँ आके एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, बाद बाकी आपकी इच्छा पर है। ये मॉडल नया आया था तो इनकी इच्छा थी कि आप कस्टमर हैं और चैनल चलाते हैं तो निश्चित रूप से दिखाइए, और हमको अच्छा भी लगा ये चीज़। लेकिन हम तुरंते खरीदे हैं तो तुरंत थोड़े खरीदेंगे ये चीज़। और दूसरी नंबर चीज़ ये है कि मोबाइल नंबर अपना आप बोल दीजिए। मोबाइल नंबर 7004483573। कितने बजे से कितने बजे तक खुली आप? ये मॉर्निंग में 10 बजे से इवनिंग के 6 बजे तक खुली रहती है। जगह पे है ये? ये आपको मोहनपुर ब्रिज, मोहनपुर में है, समस्तीपुर। अच्छा, मोहन ये होली मिशन के अपोजिट? जस्ट होली मिशन के अपोजिट। होली मिशन के अपोजिट में है, मोहनपुर ब्रिज के सामने में। निश्चित रूप से आइए देखिए। और इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक से एक वैरायटी आ रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आने वाले 2-3 महीना में इलेक्ट्रिक बाइक भी इनके शोरूम में आ जी बिल्कुल आने वाली है। क्या? जी बिल्कुल आने। मोटरसाइकिल जैसा दिख? बिल्कुल एकदम मोटरसाइकिल बाइक ही आने वाली है आपको। वेटिंग आफ्टर 2 से 3 मंथ बाद आपको मिल जाएगी। तो जो लोग इसलिए वेट कर रहे हैं कि हमको मोटरसाइकिल जैसा लेना है तो 2 महीना रुक जाइए और आइएगा तो निश्चित रूप से इस शोरूम में आपको बाइक भी निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।